गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 है भाषा और व्याकरण। तो आइए हम भाषा के विषय में बात करते हैं। प्रत्येक जीवों को यह इच्छा होती है कि वह अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करने, अपने मन की इच्छा को प्रकट करे, व्यक्त करे। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी को भी यह इच्छा होती है कि हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करें, लेकिन पशु पक्षी की आवाजों को हम भाषा नहीं मान लेते हैं। कभी कभी संकेत के द्वारा भी हम बहुत कुछ बता देते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही अपने हाथ के इशारे से वाहन के चलने या रुकने का संकेत देते हैं, लोग समझ भी लेते हैं, लेकिन उनके इशारों को भाषा नहीं कहा जा सकता है। तो भाषा है क्या? तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, शिक्षक के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखना आदि भाषा का लिखित रूप है। मौखिक रूप में जब हम अपने भाषा को जब हम बोलकर प्रकट करते हैं, जब अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे भाषण देना, बातचीत करना, गीत गाकर कहना आदि भाषा का मौखिक रूप है। अब हम देखते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, यानी लिखने का चिन्ह होता है। जैसे हिंदी का वर्ण क है तो अंग्रेजी में के वर्ण से लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी है, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। अब हम देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो व्याकरण के द्वारा हम भाषा के सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। जैसे लिंग संबंधी जानकारी, वचन संबंधी जानकारी व्याकरण के द्वारा ही हमें मिलती है। इसलिए हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण पढ़ने से हमें शुद्ध शुद्ध हिंदी पढ़ने, बोलने और लिखने आता है। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा आदि सबको हमने बताया है। उसको आप लोग नोटबुक में लिखेंगे, यही आप लोग का होमवर्क हुआ। इस चैप्टर को सही से लर्न करेंगे। धन्यवाद।